भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा ग्वालियर। नमस्कार, स्वागत है आपका MP7 न्यूज चैनल में। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की खास खबर। नारकोटिक्स आयुक्त को अफीम नीति 2022-23 के सुझाव दिए। 1997-98 से काटे गए सभी अफीम पट्टे, घटिया घाटा वाटर मिक्स, सस्पेक्टेड लो मार्फिन, औसत कमी सहित सभी अफीम पट्टे बहाल किए जाए। सभी अफीम पट्टे लुआई चिराए के मिले और पिछले वर्ष नीमच अफीम फैक्ट्री में भ्रष्टाचार करते हुए कम मार्फिन बताकर CPS में सम्मिलित किए गए। सभी अफीम पट्टे वाले किसानों को भी लुआई चिराए के अफीम पट्टे दिए जाए। सीधा मतलब 1997-98 अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को अफीम खेती करने का अवसर लुआई चिराए के अफीम पट्टे दिए जाए। सीधी सट बात यह है कि क्योंकि बहुत किसान 2008 से किसान धरना प्रदर्शन आंदोलन भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आंदोलन कर रहे किसानों को चित्तौड़ की धरती पर 24/11/2013 को लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के समक्ष परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन भी दे चुके हैं। और दूसरी बात, मेक इन इंडिया का मजबूत आधार परंपरागत अफीम खेती ही है। प्रतिनिधि मंडल संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंहदास बैरागी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बंशीलाल धाकड़, महासचिव भोपाल सिंह, मंदसौर जिला अध्यक्ष नरसिंह डांगी, टिडवा सचिव रामचंद्र डांगी, भंवर प्रकाश कुमावत सहित राजस्थान मध्य प्रदेश के संघर्षी किसानों का प्रतिनिधि मंडल उपस्थित हुआ। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।